देखो क्वेश्चन ये है इसमें, ठीक है ना, कि ये दोनों तीनों पद जो है वो किसमें समांतर श्रेणी में, तो हमें दिखाना है कि ए बी सी जो है वो समांतर श्रेणी में, तो हमें दिखाना होगा बी बराबर ए सी बाय टू, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए तीनों पद समांतर श्रेणी में, तो ये इसका मध्य पद हो जाएगा। तो देखो बी वन बाय सी प्लस वन बाय ए बराबर ए वन बाय बी प्लस वन बाय सी प्लस सी वन बाय ए प्लस वन बाय बी बटे दो। हमने क्या करा, समांतर श्रेणी में मध्य पद का फॉर्मूला लगाया, मध्य पद बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो अगर टू ए का आधा मल्टीप्लाई जाएगा तो ए प्लस सी बाय ए सी बराबर वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं, ए तो जाएगा तुम्हारा सी का आधा मल्टीप्लाई बी का आधा मल्टीप्लाई जाएगा तो बी प्लस सी बटे बी सी। सेम यहाँ पे इसका आधा मल्टीप्लाई इसका आधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b प्लस ए बाय ए बी। इसका एलसीएम ले लेना, टू का आधा मल्टीप्लाई कर दो तो टू बी ए प्लस सी बाय ए सी बराबर क्या जाएगा ए, देखो सॉरी एलसीएम ले लो यहाँ पे ए बी सी, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे क्या है ए बी है, तो क्या जाएगा ए बी सी एलसीएम हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर बचे, ए बचेगा, ए का ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए बी से ए बी को कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सी, सी का से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर बी प्लस ए, बी प्लस ए। देखो यहां से ए सी कैंसिल हो जाएगा तो बी का आधा मल्टीप्लाई जाएगा टू बी स्क्वायर ए प्लस सी बराबर ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए। क्योंकि इससे इसको काटा ना हमने, देख बी सी से अगर डिवाइड करेंगे किसको ए बी सी को, बी सी से बी सी कैंसिल तो ए बचेगा ना, तो इस ए का इस ए के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए क्या जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा ए बी से इसको डिवाइड करेंगे तो ए बी सी बटे ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल बचेगा कितना सी, इस सी का इस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब यहां पे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो टू ए बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर सी प्लस का बराबर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए। देखो सेम टर्म्स अगर है तो उसको डिवाइड कर दो या माइनस कर दो, देखो क्या बचेगा, है कोई टर्म्स नहीं है कोई भी टर्म्स ना, ठीक ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं इसमें से ए बी को माना सकता है, ठीक, इसमें से बी सी को माना सकता है और इसमें से ए सी को माना सकता है, लेके देख लेते एक साथ, इसको उठा के इधर ले आना, ठीक ना। तो टू ए बी स्क्वायर क्या जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, ठीक है बराबर यार रुक जाए एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कर देते नहीं रुक जाए एक मिनट, ठीक ना। मतलब यहाँ पे एसी है ना, यहाँ पे भी कॉमन ले लो एसी, देखो किस किस तरीके से एसी अगर बनता है तो ए और सी ठीक, इसमें से बी कॉमन आ सकता है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों में से अगर ए सी कॉमन आएगा तो ए प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं करूंगा अभी, रुक जाए एक मिनट एक मिनट, इसको इंटरचेंज मतलब वो कर। देखो इसमें हम क्या करते हैं ए बी स्क्वायर है ना, ठीक है ना, तो इसको ए बी स्क्वायर दो बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक।
इसमें से ए बी स्क्वायर जो है उसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा तो क्या जाएगा ए स्क्वायर बी, क्लियर है। अच्छा इसको भी दो बार लिख लो, तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, ठीक। अच्छा अब इसमें से एक टर्म्स लो जिसके साथ ए हो और सी हो, ये वाला टर्म है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर सी बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए, क्लियर है। एक ए बी स्क्वायर को बराबर को उधर भेज दो, एक बी सी स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दो, तो क्या बचेगा यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से ए बी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा बी माइनस ए। अच्छा इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा सी, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, क्लियर है। हमने इसको उठा के इधर भेज दिया माइनस का हो गया, इसको उठा के भेज दिया इधर माइनस का हो गया, इन दोनों में से हमने ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ पे बचेगा ए, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया सी, ठीक है। अच्छा देखो ए बी बी माइनस ए प्लस सी बी प्लस ए और बी माइनस ए लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा अब इनमें से दोनों का पेयर बनाओ, हमें क्या करना है यहाँ पे पेयरिंग बनाना, क्या बनेगा देखो सी स्क्वायर बी और ये जाएगा बी स्क्वायर सी, इन दोनों को अगर साथ में ले लोगे तो इसमें से एक चीज कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है बी सी कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा सी और यहाँ पे बचेगा बी। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा प्लस का ए, तो बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। हमने इसको और इसको लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आया बी सी, यहाँ पे बचा सी और यहाँ पे बचा बी, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया ए, तो यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो बी माइनस ए बी माइनस ए कॉमन आ रहा है दोनों में से, कॉमन ले लो तो बी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सी इंटू बी प्लस ए, सी का अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो जो बी सी प्लस सी ए प्लस का सी ए, ठीक है ना। देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा बराबर बी सी ब्रैकेट में सी माइनस बी प्लस का ए, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा सकता हूँ तो सी प्लस बी और सी माइनस बी, देखो इसमें से सी माइनस बी कॉमन आएगा, आएगा सी माइनस बी इसमें भी है और सी माइनस बी इसमें भी है, तो बी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, यहाँ से कॉमन आएगा सी माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा बी सी और यहाँ पे बचेगा ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो प्लस का ए सी प्लस का ए बी आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लगाना। अच्छा अब देखो बी सी बी सी ए सी ए सी ए बी दोनों पद सेम है तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, ए को उठा के इधर भेज देना बी को इधर भेज देना तो बी प्लस बी बराबर सी प्लस ए, तो क्या जाएगा टू बी बराबर सी प्लस ए, तो बी बराबर क्या जाएगा ए प्लस सी बटे दो, तो लिख देंगे अतः ए बी सी ए पी में है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, देखो ए बी सी और डी किसमें जीपी में दे रखा है, तो कह रहे हैं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन जो है ये गुणोत्तर श्रेणी में है, हमें सिद्ध करना है ये किसमें है, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसमें, किस तरीके का सोचने का नजरिया होगा इसमें, ठीक है ना, मतलब पहले सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि करना किस तरीके से, ठीक है ना, क्वेश्चन तो
रट लोगे तो किसी भी तरीके से कर लोगे, लेकिन समझना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जो चीज़ प्रूव करना है उस पर जाओ, ठीक है ना, जो चीज़ हमें प्रूव करना है उस पर जाओ। हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि ये जीपी में, तो ये जीपी में कब हो सकता है, जब बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का स्क्वायर जो होगा वो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन के बराबर होगा, तब जाके ये किसमें होगा, जीपी। ये गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, जैसे ए बी और सी किसमें, गुणोत्तर माध्य में, तो बी बराबर क्या होता है, रूट ऑफ ए सी स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, ए सी ना। तो हमने यही, ये हमारा मध्य पद हो गया, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस आ रहा है तो इसका मतलब ये किसमें होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा, ठीक ना। यहाँ पे ये सारी चीजें किसमें दे रखा है, गुणोत्तर श्रेणी में ऑलरेडी दे रखा है। जब ये गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है तो देखो बी जो है वो ए सी का मध्य पद है, बी ए सी का मध्य पद है, तो बी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट ऑफ ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, ए सी। तथा देखो यहाँ पे सी जो है बी और डी का क्या है, मध्य पद है, तो सी स्क्वायर बी क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डी। योग्य समीकरण नंबर एक, योग्य हमारा समीकरण नंबर दो, ये सिद्ध करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल एच एस को ले लेते हैं। देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का स्क्वायर बराबर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ये तो सिद्ध करना है। एल एच एस या आर एच एस कुछ भी ले लो, एल एच एस ले लो इसमें, तो बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन की पावर टू लिख सकता हूँ। देखो यहाँ इसमें क्या करेंगे, बी की पावर टू एन प्लस सी की पावर टू एन प्लस टू बी की पावर एन सी की पावर एन लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख दिया ना। अब क्या वैल्यू रख सकते हैं, हम क्या पुटिंग कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस मुद्दे पे जाना है, हमें किस पे जाना है, बी की ए की पावर एन बी की पावर एन। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है तो इसको भी सॉल्व कर लो, ये जो हमारा आर एच एस में देगा इसको सॉल्व कर देख लो क्या आ रहा है, ए और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर एन सी की पावर एन, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए की पावर एन डी की पावर एन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर एन सी की पावर एन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर एन डी की पावर एन। लेकिन इस टर्म्स में ए और डी है ही नहीं, अगर इसमें देखोगे इसमें तो ए और डी है लेकिन इसमें ए और डी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते बताओ, सोच के बताओ। देखो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या है, ए सी, हमारे पास सी स्क्वायर है बी डी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह देखो इसको अगर लिखता हूं ना मैं, इसको लिखूंगा मैं बी का स्क्वायर की पावर एन प्लस इसको लिखूंगा सी का स्क्वायर की पावर एन प्लस टू की पावर बी, सॉरी बी की पावर एन सी की पावर एन लिख सकता हूं ना। अच्छा देखो अब इनमें से बी स्क्वायर क्या जाएगा, ए सी, तो ए की पावर एन सी की पावर एन, सी स्क्वायर क्या जाएगा बी की पावर एन डी की पावर एन प्लस बी की पावर एन सी की पावर एन प्लस बी की पावर एन सी की पावर एन, दोबारा लिख सकता हूँ। अब देखो क्या क्या बच सकता है, वो बचा लो, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सी की पावर एन कॉमन आएगा, क्या बचेगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास बी की पावर एन कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा डी की पावर एन सी की पावर एन। सर ये आपने इधर वाला कहाँ से ले लिया सर, कौन सा वाला, इधर टू बी एन सी एन, बी की पावर एन सी एन, ये आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा। यहाँ पे ये दो बार लिख लिया ना इसको हमने, हमने इनको क्या करा तो दो बार लिखा, तो बी बी की तो डी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। अच्छा अब इसमें से कॉमन नहीं आ सकता, ये सी डी में हो गया और ये किस में हो गया, ए बी में हो गया, नहीं बी डी, बी की पावर एन
और ये जाएगा प्लस डी की पावर एन इनमें स... अरे नहीं, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, तो कॉमन ही लिया वही तो कर रहा, बी तो कॉमन ही लिया हमने, इन दोनों में से बी की पावर एन कॉमन आएगा तो डी की पावर एन और यहाँ पे सी की पावर एन, ठीक हो गया। अच्छा सी और डी है ना, सी और डी है, मतलब यहाँ पे हमने बी को चेंज करके हमें लाना है ए की पावर एन और बी की पावर एन। देखो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे ए की पावर एन बी की पावर एन, यहाँ पे भी क्या जाएगा ए की पावर एन बी की पावर एन अगर आ जाएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो इसमें एक चीज और लगाते हैं, मत्था लगाते हैं। देखो बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन बी बराबर डी अपॉन सी, लिख सकता हूँ क्या मैं, है तो देखो अगर पहले हाँ गुणित श्रेणी का सर्व अनुपात बराबर होता ना तो बी अपॉन ए बराबर डी अपॉन सी लिख सकता हूँ क्या मैं, है अगर यहाँ पे बी सी निकालता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बी सी बराबर क्या जाएगा ए डी, बी सी बराबर क्या जाएगा ए डी हो जाएगा। एडिया का रखूंगा डी, हाँ हो गया बस खत्म है, सिंपल है, हो गया खत्म है बस, लॉजिक लग गया ना, लॉजिक लग गया ना, अब देख ना हलवा ही तो है। देख बी सी, देख बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं ए डी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा ए डी, तो टू ए डी की घात एन, क्योंकि दोनों की घात एन है ना, दोनों की घात एन हो जाएगा, तो ए की पावर एन सी की पावर एन प्लस बी की पावर एन डी की पावर एन प्लस यह हो जाएगा ए की पावर एन डी की पावर एन प्लस ए की पावर एन डी की पावर एन, ठीक है। देख फिर भी नहीं बन रहा यार, बनना तो चाहिए था, ए की पावर एन इसमें से कौन बनेगा, ए की पावर एन सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ठीक है ना, इन दोनों में से क्या कौन बनेगा, इन दोनों में से क्या कौन बनेगा, इन दोनों में से कौन बनेगा डी की पावर एन, तो यहाँ पे बचेगा बी की पावर एन प्लस ए की पावर एन, रुक जाए एक बार सॉल्व कर लो इसको मैं, छोटी सी चीज अगर हमें बात नहीं, ए देख एक छोटी सी चीज अगर हमें पकड़ ले हम तो क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो गया, ठीक ना। देख ए की पावर एन सी की पावर एन प्लस बी की पावर एन डी की पावर एन प्लस ए की पावर एन बी की पावर सॉरी ए की पावर एन डी की पावर एन, ठीक ना, तो ए डी की जगह फिर से क्या लिख दो, बी सी लिख दो, तो बी की पावर एन सी सी की पावर एन प्लस ए की पावर एन डी की पावर एन, होगा ना होगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा सी की पावर एन, क्या बचेगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक ना। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो डी की पावर एन, तो प्लस डी की पावर एन कॉमन आएगा तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, देखो ए की पावर एन बी की पावर एन कॉमन आएगा तो ए की पावर एन बी की पावर एन, यहाँ पे बचेगा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, बराबर RHS। मैं तो कई छोटे 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 क्लू मिलते हैं ना क्वेश्चंस में, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी जैसे होता है ना डिफिकल्टी फेस करते हैं हम, तो हमेशा LHS और RHS दोनों को क्या कर लिया करो सॉल्व, पहले तो ये देखा करो क्या सिद्ध करना है हमें, उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कुछ भी स्टार्ट कर दिया हमने। बेसिकली बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन तो देख लिया, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन करना कैसे है वो समझ नहीं आता है ना, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, सब कुछ तो समझ में आ गया हमें, पता हमें यह है कि ये जीपी में है ये भी जीपी में है, तो हमें क्वेश्चन करना किस तरीके से वो समझ नहीं आता है, ठीक ना। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ दे रखा है उस पर जाओ, उस पर जाके देखो हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक ये सिद्ध करना था, तो इसलिए हमने इसमें LHS को सॉल्व करके RHS को लाना है। तो हमने सबसे पहले जो जीपी का जो कंडीशन दे रखा था, एक तो गुणोत्तर माध्यिक का हम कंडीशन लगाया और एक उसके सार्व अनुपात का कंडीशंस लगाया, दो कंडीशंस यूज किया हमने। ये है कि यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर कहां से आ गया, कहां पे, यही सबसे बड़ी बात समझने की है। हां यहां पे ये तो गुणोत्तर माध्य का फार्मूला यूज किया हमने, अच्छा गुणोत्तर माध्य हमने यूज किया ना यहां पे b स्क्वायर बराबर ac, आप समझ गए बस, आप जैसे